नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से ऐलान किया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब से उनके चुनाव लड़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर, अयोध्या या कहीं और, योगी आदित्यनाथ आखिर कहां से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, ये सवाल सभी के मन में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का टिकट देने की मांग उठी है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में चुनाव नजदीक है और जब से सीएम योगी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से बस यही सवाल सभी के मन में है कि आखिर योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दिया था कि अगर पार्टी नेतृत्व ये फैसला करता है तो वो अपनी पारंपरिक गोरखपुर सीट के बजाय आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अयोध्या, मथुरा या कहीं और से लड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। और अब सीएम योगी को लेकर मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ने की मांग उठी है। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखकर मथुरा से योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि इससे न केवल ब्रज क्षेत्र की जनता को खुशी होगी बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता को इससे बेहद खुशी होगी। अपने पत्र में मांग करते हुए लिखा कि ये सत्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्तव्य और चिंतन से प्रदेश भर में भारी प्रतिष्ठा अर्जित की है, साथ ही प्रदेश वासियों की चिंतन की धारा बदल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा कि पार्टी जहां से चाहेगी वो चुनाव लड़ने को तैयार है। और इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने का अनुरोध किया। कहा कि ये पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखने हेतु प्रेरित किया है। तो वहीं इससे पहले महंत राजूदास भी योगी आदित्यनाथ को लेकर मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि इससे मथुरा के मंदिर निर्माण के मार्ग प्रशस्त होगा। बता दें आपको, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। बीजेपी राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरी है और ऐसे में उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़कर इस मुद्दे पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, जिसका फायदा पूरे प्रदेश में होगा। वहीं योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं और योगी भी कह चुके हैं कि मथुरा को भूला नहीं जा सकता। बीजेपी की राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखकर मथुरा से योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने पर विचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से खड़े होने के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ आखिर कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।